नमस्कार, NIOS के DLED कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज मैं आपसे पाठ्यक्रम संख्या 503 ब्लॉक 1 इकाई 2 अर्थात भारत में हिंदी का स्थान विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के मौजूदा स्वरूप के पीछे उसके बनने सवरने की सदियों पुरानी कथा निहित है। अब भारतीय प्रायद्वीप में यह भाषा अनेक युगांतकारी बदलावों का हमसफर रही है। आज व्यवहृत होने वाली खड़ी बोली हिंदी की आरंभिक उपस्थिति संभवतः सबसे पहले अमीर खुसरो में नजर आई। अनेक सोपानों को तय करती हुई हिंदी आज़ादी की लड़ाई के दौरान परवान चढ़ी। चूंकि भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त रूप है, लिहाजा यह जन भावनाओं को समाहित कर अपनी विकास यात्रा संभव करती है। शब्दार्थ की दृष्टि से हिंदी या भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी कही जा सकती है। हिंदुई या हिंदीवी का भी यही अर्थ है। यही कारण है कि भारतीय संदर्भ में अनेक बार भाषा की जड़ता से संघर्ष को युगधर्म माना गया है और उसे मनुष्य मुक्ति के विभिन्न संदर्भों से जोड़ा गया। शायद भाषा की इसी महत्ता को लक्षित करते हुए भारतेंदु जैसे महत्वपूर्ण नवजागरण कालीन साहित्यकार ने कहा, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को शूल। विद्यार्थियों, आज हिंदी के विभिन्न रूपों पर भी बातचीत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि विश्व भाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति है। विराट जन समूह की भाषा हिंदी ने कई सोपानों का सफर तय किया। आज हिंदी चीनी के बाद विश्व में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। भारत के अलावा फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम जैसे देशों में रहने वाले तकरीबन 60 करोड़ लोगों की भाषा हिंदी है। हिंदी की वह विकास गाथा जो साम्राज्यवादी मंसूबों से संघर्ष की अव्यक्ति भाषा के रूप में परवान चढ़ी, वह आज विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। इस यशस्वी यात्रा के साथ ही उन चुनौतियों को भी हम नहीं भूल सकते जो हिंदी के सामने विभिन्न रूपों में मौजूद है। भारत की आबादी का 42.88% हिस्सा हिंदी जनसंख्या है। हिंदी को राष्ट्रव्यापी भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा बनने का गौरव मिला। व्यापार, जनसंचार और राजनीति की दृष्टि से हिंदी देश की संपर्क भाषा है। उल्लिखित सभी संदर्भों में हिंदी को देखना, समझना बेहद विचार उत्तेजक और दिलचस्प अनुभव है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हिंदी के विकास में केवल हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने ही नहीं योगदान दिया है। भारत में हिंदी के विकास में हिंदीतर क्षेत्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह एक दिलचस्प और उल्लेखनीय सच्चाई है कि हिंदी के विकास में केंद्रीय भूमिका हिंदीतर क्षेत्रों ने निभाई। मध्यकाल में यह केंद्र हैदराबाद था, तो औपनिवेशिक काल में यह केंद्र कोलकाता बना। वहीं आज़ादी के बाद यह केंद्र बनने का अवसर मुंबई को मिला। मुगल शासन के उत्तरार्ध में शासन के प्रभाव में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग में ढालने के बहुतेरे प्रयास किए गए। खड़ी बोली की उर्दू शैली के विकास के पीछे ऐसी ही परिस्थितियां मौजूद थी। ब्रितानी हुकूमत के दौरान शासन के राजकाज की भाषा अंग्रेजी हो गई। फारसी और अंग्रेजी दोनों से भारत की बहुसंख्यक जनता को अपनापन महसूस नहीं होता था। साथ ही संस्कृत भी अपने आभिजात्यवादी रूप के कारण जनता को दुख, दर्द, आकांक्षा और प्रतिरोध की भाषा नहीं लगती थी। इन सब के बीच ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों में स्वाधीनता की चेतना उभरनी शुरू हुई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के मनीषियों में जब नवजागरण की चेतना प्रतिरोध की संस्कृति में रूपांतरित होने लगी, तब ऐसी संपर्क भाषा की जरूरत महसूस हुई
जो न केवल पूरे भारत की संवाद भाषा की सामर्थ्य रखती हो, बल्कि जो विदेशी भाषा के समानांतर देशज भाषा की अस्मिता से भी संपन्न हो। यह सुखद संयोग था कि हिंदी के इस रूप को सबसे पहले जिन मनीषियों ने पहचाना वे हिंदी तर्क क्षेत्र के थे। साम्राज्यवादी दमन बनाम प्रतिरोध की भाषा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के पहले ही राष्ट्रभाषा हिंदी स्वतंत्रता और सामान्य जन की अवधारणा को अभिन्न करार दिया और कहा, मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। साम्राज्यवादी दमन के खिलाफ हिंदी ने प्रतिरोध की भाषा की भूमिका को बखूबी निभाया। इसके पहले ही भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नया भावबोध जोड़ा। यह भावबोध देश प्रेम था, जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित था। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी की जनोन्मुख राष्ट्रीयता को विशिष्ट ढंग से प्रकट किया। हिंदी भाषा की चेतना के विकास में शुरुआती पत्र पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वयं भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी की प्रतिरोधी चेतना का विकास किया। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आंदोलन के सभी महानायक किसी न किसी पत्र पत्रिका से जरूर संबद्ध रहे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। इस अर्थ में हम हिंदी को समकालीन भारत का सबसे बड़ा और यशस्वी पत्रकार गांधी के रूप में पहचान सकते हैं। साम्राज्यवादी प्रतिरोध के इस हिंदी स्वरूप को हम गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू राव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महानुभावों के सरोकारों में बखूबी पहचान सकते हैं। उस समय की उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र जो कलकत्ता से छपती थी, आज सुधाकर और हंस जिसका प्रकाशन बनारस से होता था, प्रताप का प्रकाशन कानपुर से होता था, कर्मवीर खंडवा से निकाली जाती थी पत्रिका, सैनिक, प्रजाहितैषी आगरा से, केसरी पूना से, जागरण झांसी से, सरस्वती इलाहाबाद से, ये सभी पत्र पत्रिकाएं शामिल हैं। राष्ट्रव्यापी भाषा और संस्थाओं का योगदान एक महत्वपूर्ण पहलू है इस विषय से संबंधित। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के राष्ट्रव्यापी भाषा के विकास में कतिपय संस्थाओं ने अविस्मरणीय योगदान दिया। इन संस्थाओं में काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति वर्धा, हिंदी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन के समानांतर हिंदी पहले संपर्क भाषा और फिर संपूर्ण राष्ट्र की भाषा के रूप में विकसित संवर्धित होती रही। कालांतर में जब भारत को आज़ादी मिल गई, तब यह बात चर्चा का विषय रही कि किस भाषा को हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संघ की राजभाषा रूप में हिंदी को मान्यता दी। यह हिंदी ही राजभाषा के रूप में पहचानी गई। यह हिंदी की राष्ट्रीय छवि का ही कमाल था कि एक अहिंदी भाषी क्षेत्र के मनीषी श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने यह प्रस्ताव रखा था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए।
अब यह समझने का प्रयास किया जाए कि हिंदी एवं सहभाषाओं का संबंध क्या है। हिंदी भाषा और साहित्य के सागर में अनेक सहभाषाओं की नदियां मिलती हैं, जैसे हिंदी के निर्माण में खड़ी बोली, कौरवी के साथ साथ ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, राजस्थानी आदि भाषाओं का योगदान अविस्मरणीय है। मध्यकाल की साहित्यिक विरासत में अवधी, ब्रज भाषा और आधुनिक काल की विरासत में खड़ी बोली या कौरवी की मौजूदगी को हम हिंदी और सहभाषाओं के संबंधों के आलोक में देख सकते हैं। हिंदी की विरासत में सहभाषाओं से उसका रिश्ता द्वंद्वात्मक कहा जा सकता है। यह देखने का प्रयास किया जाए कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का संबंध कैसा रहा। अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी के रिश्ते को हम अनेक संदर्भों में देख सकते हैं। अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि और हिंदी की लिपि एक ही है, यानी हिंदी समेत संस्कृत, मराठी, नेपाली, मैथिली, गुजराती की लिपि देवनागरी लिपि है। उसी तरह हिंदी समेत अनेक भारतीय भाषाओं में संस्कृत से आए शब्दों की थाती है। मलयालम, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मराठी आदि भाषाओं में व्यवहृत होने वाले शब्दों का बड़ा भंडार संस्कृत से आया है। इस यात्रा को समझने के बाद यह जानना दिलचस्प होगा कि हिंदी के विविध रूप कौन कौन से मौजूद हैं। हिंदी बहुरूपा भाषा है, साहित्यिक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजन मूलक भाषा, शिक्षाई हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ज्ञान की भाषा, वाणिज्य व्यवसाय की भाषा के रूप में विभिन्न संदर्भ हो सकते हैं जिनमें हम हिंदी की पहचान कर सकते हैं। साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी को समझने का प्रयास करें। साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी अनेक सोपानों से गुजरी। विद्यापति की मैथिली को हम लोग याद कर सकते हैं, तुलसी मलिक मोहम्मद जायसी की अवधि इसी संदर्भ में याद की जा सकती है, सूरदास, मीरा, बिहारी, सेनापति की ब्रज भाषा को इस सिलसिले में हम याद कर सकते हैं। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप प्रचलित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर, रघुवीर सहाय अनेक नाम इस सिलसिले में लिए जा सकते हैं। आदि की भाषा से लेकर मौजूदा दौर के साहित्यकारों की साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी को हम लोग याद कर सकते हैं। हिंदी की जो पाठ्यपुस्तकें बनती हैं उसमें आप हिंदी के इन सभी रूपों को देख सकते हैं। इससे हम हिंदी की उस विकास यात्रा से परिचित तो होते ही हैं जिस विकास यात्रा से हिंदी गुजरती हुई यहाँ तक पहुँची है। साथ ही हम इस बात को भी पहचान पाते हैं कि हिंदी के मौजूदा स्वरूप के निर्माण में किन किन आवाज़ों ने अपनी भूमिका को संभव किया है और किस तरह से हिंदी जनभावनाओं की भावना को, सरोकारों को, लक्ष्यों को, सपनों को प्रकट करने की भाषा के रूप में अपनी भूमिका का निर्माण की है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की मौजूदगी का आकलन करें। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच संपर्क के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी इस लिहाज से हिंदी प्रदेशों के अतिरिक्त भारत के अन्य प्रदेशों में बतौर संपर्क भाषा व्यवहार में लाई जाती है। इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। जैसे कोई आदमी यदि तमिलनाडु का है और वह पश्चिम बंगाल में जाता है
तो तमिलनाडु की भाषा में वह बात नहीं कर पाएगा पश्चिम बंगाल की आबादी से। तो पश्चिम बंगाल के लोगों से बातचीत करने के लिए वह जिस संपर्क भाषा का व्यवहार करता है वह हिंदी ही होती है। महात्मा गांधी ने तो बताया था कि मुझे भारत का कोई भी ऐसा प्रांत नहीं मिला जहां सरल हिंदी समझने वाले लोग न हों, अर्थात हिंदी की मौजूदगी संपर्क भाषा के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक समझी जा सकती है। संपर्क भाषा का एक अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है। अब हम यह समझने का प्रयास करें कि शैक्षिक भाषा के रूप में हिंदी का विकास किस तरह हुआ। वर्तमान शैक्षिक भाषा के रूप में हिंदी के बनने संवरने की एक लंबी कहानी है जिसे विस्तार से समझने की जरूरत है। आधुनिक ढंग की भारतीय शिक्षा के मसले पर ब्रिटिश हुक्मरानों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सक्रिय हस्तक्षेप किया। हालांकि इसके पहले पढ़ने पढ़ाने के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार ने 1813 में एक चार्टर जारी किया था। इस चार्टर को स्थायी पहचान 1854 के वुड्स डिस्पैच से मिली। यहाँ यह याद कर लेना लाजमी होगा कि वुड्स डिस्पैच के पहले ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा प्रसार के लिए सरल हिंदी को ही अपना माध्यम बना लिया था। इन्हीं के द्वारा 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं खुली। आगरा बुक सोसाइटी, नॉर्दर्न टेक्स्ट बुक सोसाइटी, जिनकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी, को हम याद कर सकते हैं। 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद सभी प्रांतों में अलग से शिक्षा विभाग बने। प्रारंभिक इतिहास से पता चलता है कि हिंदी के पाठ्यपुस्तकों के निर्माणकर्ता प्रायः शिक्षा विभाग के कर्मचारी ही रहे। सुप्रसिद्ध हिंदी सेवी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसी विभाग में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। 19वीं सदी के अंतिम वर्ष में देवनागरी को पश्चिमोत्तर प्रांत की कचहरी भाषा बनने का अवसर मिला। कचहरी भाषा अर्थात अदालत की भाषा। 1900 ईस्वी में सरस्वती के प्रकाशन से हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई दिशा मिली। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह याद दिला देना मुझे जरूरी लग रहा है कि सरस्वती वह मंच था जिसने पूरी पीढ़ी को हिंदी की समझ बनाने में सहायता प्रदान करने की भूमिका का निर्वहन किया। इस पत्रिका में जो रचनाकारों छपते थे उन्हें हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए, शब्दों का प्रयोग किस तरह से हो, वाक्यों का गठन कैसे हो, व्याकरण की समझ के मसले पर, इन सभी मुद्दों पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी राय दी और एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने तैयार किया। कहा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले तक हिंदी घुटनों के बल चल रही थी। द्विवेदी जी ने उंगली पकड़कर हिंदी को चलना सिखाया। एक और बात याद कर लेने की ज़रूरत है कि सरस्वती पत्रिका में सिर्फ कविता कहानियां ही नहीं प्रकाशित होती थी। उस दौर में लिखे जा रहे जो विचार परक लेख हैं उनका भी प्रकाशन होता था। द्विवेदी जी ने बहुत सारे अंग्रेजी के निबंधों का भी हिंदी में प्रकाशन किया था, यानी ज्ञान के साहित्य का निर्माण भी उस दौर में शुरू हो चुका था। इस बीच 1905 के बंग भंग विभाजन के विरोध में उठे स्वदेशी की भावना ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया। इसी कालखंड में मौजूदा हिंदी सर्वाधिक विश्वसनीय रूप में उभरी। इन परिस्थितियों में शिक्षाई हिंदी का जो रूप उभरा उसे ही शिक्षाई हिंदी का पहला व्यवस्थित रूप माना जा सकता है। उभरते हुए राष्ट्र की भाषा के रूप में हिंदी की पहचान तो कर ली गई, लेकिन शिक्षाई हिंदी के विकास पर अंग्रेजी का प्रभाव रहा। 1921 में जब ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, तब
तत्कालीन सरकारी स्कूलों के समानांतर राष्ट्रीय विद्यापीठों काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई। तब प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय अनिवार्य कर दिया गया। 1923 में पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर यानी एमए के स्तर पर हिंदी की पढ़ाई आरंभ हुई। राजभाषा के रूप में हिंदी के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। संविधान के अनुसार हिंदी भारतीय गणराज्य की राजभाषा है। इस भूमिका में वह केंद्र सरकार के कार्यालयों की भाषा है, देश के कानून की भाषा है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है। यही कारण है कि संघ शासन के इन तीनों अंगों से जुड़े हुए व्यक्तियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इस भाषाई रूप से परिचित हों और उसके माध्यम से यथासंभव काम करें। राजभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई। विधि, विज्ञान, प्रशासन तथा अन्य सरकारी उपक्रमों से जुड़े संदर्भों के लिए विभिन्न अनुवाद आधारित पुस्तकें, पुस्तिकाएं तथा निर्देश तैयार हुए। हिंदी के विभिन्न रूपों को समझते हुए भारत में मौजूदा हिंदी के स्वरूप को समझना तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम यह न देखें कि ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी के मौजूद रहने के कौन से परिदृश्य उभरते हैं। हिंदी क्षेत्र की ज्ञान विज्ञान की दुनिया में बढ़ती दिलचस्पी के आलोक में इस परिदृश्य को परखने की कोशिश की जाए। इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंध विज्ञान जैसे अनुशासनों पर हिंदी में पुस्तकें आ रही हैं। यद्यपि इनमें ज़्यादातर पुस्तकें अनूदित हैं, पर अब मौलिक पुस्तकों का लेखन भी शुरू हो चुका है। अब हिंदी के प्रकाशक साहित्येतर पुस्तकें प्रकाशित करने में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। अंग्रेजी में लिखने वाले चिंतकों की यह ख्वाहिश होती है कि उनका लेखन हिंदी में ज़रूर प्रकाशित हो। अंग्रेजी में लिखने वाले चिंतकों की इस ख्वाहिश को हम देश के स्तर पर समझ सकते हैं। फिर भी यह सच है कि आज हिंदी में मौलिक चिंतन तथा ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें बहुत कम लिखी जा रही हैं। संभवतः इसका कारण यह हो कि हमारे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में भी शोध और ज्ञान विज्ञान की भाषा मुख्यतः अंग्रेजी ही है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी में काम करता हुआ नज़र आ रहा है और मांग के इस दबाव के परिणाम स्वरूप मौलिक लेखन हिंदी में एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति में पहुंच चुका है। अनेक विश्वविद्यालयों के जो हिंदी प्रकाशन केंद्र हैं वे सिर्फ साहित्य या उससे जुड़े मसलों पर ही पुस्तकों का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्ञान के जो अन्य अनुशासन हैं उनमें भी किताबें छप रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। विभिन्न राज्यों की जो संस्थाएं हैं इस संदर्भ में काम कर रही हैं। एनसीईआरटी स्कूली क्षेत्र की शिक्षा के रूप में हिंदी के विकास में अपनी भूमिका को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की बातचीत में आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से यह समझने का प्रयास किया कि किस तरह से हिंदी की यात्रा जो 1000 साल पुरानी है वह विभिन्न अनुभवों और मंजरों को तय करती हुई आज एक बहुत ही उत्कट और प्रकट रूप में हमारे साथ अपना विश्वास और भरोसा दिलाने में कामयाब रही है और आज की हिंदी पूरे देश के लिए प्राण तत्व का काम कर रही है। आपने इस विषय पर अपनी समझ बनाने के क्रम में
संविधान की भाषा के रूप में हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी, और साथ ही उसके जो अन्य रूप हो सकते हैं उसके बारे में अपनी समझ को साफ किया। आपने यह भी समझा कि हिंदी का जो वर्तमान परिदृश्य है वह अनेक संभावनाओं को संभव करने वाला है, अनेक संभावनाओं को जन्म देने वाला है। आज की बातचीत के इन सभी पहलुओं से आप समृद्ध हुए होंगे, आपको इस विषय से संबंधित सभी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। नमस्कार।